नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण न्यूज शो और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। आज 9 अप्रैल है यानी कि मंगलवार का दिन और आज से हो गई है चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। तो माँ अम्बे किसके लिए लेकर आई है खुशखबरी, जानते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुरु जी मानवेंद्र जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को जय माता दी। जैसा भी अनुराधा जी ने कहा कि किन राशियों के लिए खुशखबरी है इन नवरात्रों में, तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव भी महसूस हो रहा है, बड़ी आनंद की अनुभूति भी हो रही है, क्योंकि जबरदस्त चंद्र गुरु के गज केसरी राजयोग के साथ में इस बार नवरात्रि मनाए जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में ही आपको यह योग मिल गया जो बहुत बरसों के बाद मिलता है। मुझे याद भी नहीं है, अगर मैं पीछे 5-10 साल पीछे जा करके मैं देखूं तो मैं ये कहना चाहूंगा चंद्र गुरु के साथ में राजयोग की शुरुआत के साथ में ये नवरात्र चालू होना बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले मेष राशि वालों, आपके वारे न्यारे तय हैं, आप लिख करके ले लीजिए। बस माँ की पूजा अच्छे से कर लेना, माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लेना, थोड़ा सा कष्ट दे लेना शरीर को, अपनी आत्मशक्ति को मजबूत कर लेना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और वृषभ राशि वालों, आपके ऊपर तो विशेष कृपा रहेगी माँ की, क्योंकि आपके द्वादश स्थान में चंद्र गुरु बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर योग है। और एक चीज और बोलता हूँ, बुध ग्रह भी हैं, यानी कि आपके लिए तो बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। मिथुन राशि, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार एक बात बोलूँ आपको, आपकी शुरुआत ही धन आगमन से हो रही है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के घर में चंद्र गुरु रहेंगे। कितना सुंदर योग यहाँ पर बना हुआ है, लिटरली बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कर्क राशि वालों, आपकी तो राशि के स्वामी ही चंद्र है, जिसके राशि का स्वामी चंद्रमा हो, केंद्र में बैठा हो, कर्म भाव पे बैठा हो, गज किसी राजयोग बना हो, भाग्येश के साथ बैठा हो, यानी कि भाग्य मान सम्मान, नीति शास्त्र विद्वानता, एजुकेशन में सफलता, वाणी से निकला हुआ हर शब्द समझ लीजिए, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि काम होना ही होना है, सिद्ध हो जाएगा वो वर्ड भी। बात करना चाहूंगा आपसे सिंह राशि की, अच्छा है आपके लिए। बस आपके लिए चिंता एक बात को लेकर के है कि जो सूर्य राहु अष्टम भाव में बैठे हैं ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, बट भाग्य के दृष्टिकोण से ग्रह गोचर बहुत उचित बन रहा है। बात करना चाहता हूँ कन्या राशि की, आपके लिए कहते हुए खुशी हो रही है, कुछ प्लस है कुछ माइनस भी है। माइनस ये है कि हेल्थ के घर में चंद्र गुरु चले गए, यानी कि स्वास्थ्य को खराब करेंगे। प्लस पॉइंट ये है कि आपके लिए मालव्य राजयोग बना हुआ है और शुक्रवार का दिन तो शुक्रदेव का ही होता है, माँ का ही होता है, यानी कि इस टाइम पर शुक्र का उच्च होना जब नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं इसका भी एक विशेष योग है। आप देखना 14 तारीख से लेकर 24 अप्रैल के बीच में आपको बहुत बड़े विशेष लाभ मिलने वाले हैं। कन्या राशि वालों, आप नोटिस करना। तुला राशि के लिए तो ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा ध्यान ही रखें, अलर्ट रहें, बट हाँ आपके लिए गज केसी राजयोग बना हुआ है, आपकी पत्नी व पति के साथ संबंध बड़े अच्छे रहेंगे, बड़े प्यार का माहौल घर में बना रहेगा, ये एक सबसे बड़ा आनंद है अगर घर से खुश हो तो। वृश्चिक राशि, आपको थोड़ा सा शत्रु पक्ष से हानि हो सकती है, अलर्ट रहें। और धनु राशि वालों, आपके लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी पंचम भाव बुद्धि उन्नति के ही घर में बैठे हुए हैं चंद्र गुरु, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एजुकेशन में सफलता, संतान सुख की प्राप्ति और कुछ अकस्मात धन लाभ प्राप्त हो रहा, जो लोग इंस्टीट्यूशन में हैं यानी कि टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं और अध्यात्म का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि के लिए मैं ये कहना चाहूँगा गज केसी राजयोग आपका एक्टिवेट हो चुका है, वो भी 4th हाउस पर, बहुत अच्छा राजयोग है, मस्त होके काम करिए, माता का आशीर्वाद लेके घर से निकलना है आपको, यानी कि डेली माँ को प्रणाम जरूर करना है, अपनी माँ का पैर छू करके निकलिएगा क्योंकि आपकी राजयोग की शुरुआत माँ के घर से हो रही है। कुंभ राशि, आपके लिए छोटे भाई बहन बहुत बड़े ऐसे समझ लीजिए वरदान साबित हो जाएंगे, मित्रगण, इतना अच्छा सपोर्ट उनसे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करेंगे मीन राशि की, आपके लिए मैं ये कह सकता हूं कि आपके फाइनेंस पर, पैसे पर चंद्र गुरु बुध जैसे 3 शुभ ग्रह, एक तरीके से धन लक्ष्मी योग बनना बहुत अच्छा योग होता है, तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जो करना चाहते हैं करिए, मन से इच्छा से संकल्पित होकर करिए, बहुत बहुत बधाई आपको। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि नवरात्र के साथ राजयोग भी शुरू हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्र आपके लिए काफी शुभ होंगे। गुरुजी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार, जय माता दी। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये खास शो जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।